हमीरपुर के टाउन हॉल में ठाकुर राम सिंह न्यास के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्मचारी जसवंत सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर के दौरान हमीरपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर 50 यूनिट रक्तदान किया गया। न्यास के सदस्य चंद्र प्रकाश ने बताया कि ठाकुर राम सिंह न्यास के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि अगले कल गुरु पूर्णिमा भी है और इसी के उपलक्ष्य में आज ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वर्गीय ठाकुर राम सिंह से सीखना चाहिए कि किस तरह से त्याग और बलिदान देते हुए RAS के माध्यम से देश की सेवा की है। आदर्श उन्हीं को ध्यान में रख करके आज न्यास ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसके साथ साथ एक और भी है कि कल गुरु पूर्णिमा है, जो एक सनातन परंपरा है अपने राष्ट्र की, अपने भारत की, अपने भारतीय विचार की, और एक गुरु के प्रति हमारा एक समर्पण होता है। गुरु से एक ज्ञान लेकर के हम समाज में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, समाज को अपने उत्कर्ष की ओर लेके जाते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी हम ये काम कर रहे हैं और इन दोनों बातों का, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु के समर्पण करके देश समाज को आगे लेके जाना और विवेकानंद जी के आदर्शों को साथ में लेकर के चलना, यदि हमने कभी सीखना है तो ठाकुर राम सिंह जी से हम सीख सकते हैं। एक आदर्श जीवन, 1942 के गोल्ड मेडलिस्ट लाहौर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में काम किया, अरुणाचल, आसाम सब क्षेत्रों में काम करते हुए अपने अंतिम श्वास तक वो देश और समाज का काम करते रहे। तो ये जो आदर्श थे सेवा और त्याग के, और एक मुझे लगता है कि ठाकुर राम सिंह जी अपने आप में ही अपने अंदर जो है एक 73 भारत को समेटे हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई, लाहौर में उन्होंने सारा संघ का काम किया, तत्पश्चात वो पूर्वोत्तर भारत में आसाम इस तरफ गए और उसके बाद दक्षिण भारत में भी काम किया। तो एक अपने जो अखंड भारत की एक संकल्पना है, संपूर्ण 73 भारत की जो संकल्पना है, उसका भी कहीं ना कहीं राम सिंह जी के जीवन में हमें एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। और उनकी स्मृति में ही न्यास ने यह रक्तदान शिविर लगाया है, जिससे कि समाज को आगे भी इस प्रकार के त्याग और सेवा भाव से काम करने की प्रेरणा मिले। इसमें व्यापार मंडल और पत्रकार बंधु ये भी हमारे सहयोगी हुए हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भारती ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ठाकुर राम सिंह न्यास के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है। रक्तदान जो है वो एक पुण्य के समान होता है। ये व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के लिए भी जहाँ लाभदायक है, वहीं जैसे आपने भी बताया कि मैंने आज मैं 61वीं बार रक्तदान करूँगा, तो पिछले 20 वर्षों से निरंतर मैं साल में 2 या 3 बार जो है वो रक्तदान करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में रक्तदान करना चाहिए। ये ना केवल आपको स्वस्थ रखता है, रक्त को पतला रखता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, बल्कि समाज में प्रेरणा का भी काम करता है। आप देखते हैं कि गाहे बगाहे हमारे आसपास ही कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जहां अधिकांश बार मृत्यु इस वजह से हो जाती है कि व्यक्ति को रक्त नहीं मिलता है। तो जितना हम रक्तदान करेंगे, उतना हम समाज के स्थान और निर्माण में भी सहयोग करेंगे और अपने को भी स्वस्थ रखने में हम पूरी तरह से जो है वो सजग रहेंगे।